जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो सेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूँ इस टाइम हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन में। यहाँ के एडमिशन के हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। मैं यहाँ पे आया हुआ था, वीडियो कवरेज भी की है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से बताऊँगा कि यहाँ पे आपकी फर्स्ट ईयर की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड क्या कॉस्ट है, यहाँ के हॉस्टल्स किस तरह के हैं, कितने शेयरिंग रूम्स हैं, आपके हॉस्टल की फ़ी क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से बताऊँगा आपको, और एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से भी बताऊँगा। ये इस टाइम पर जो स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं ये सितंबर 2024 इनटेक के हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी इनरोलमेंट सितंबर इनटेक की है। हुनान में मार्च इनटेक के एडमिशंस नहीं होते हैं, सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हुनान की फ़ी के हवाले से। पहले तो आपको बता देता हूँ, हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन, इसको हुनान TCM भी कहते हैं, ये चांगशा सिटी में है, हुनान प्रोविंस में है। बहुत ही खूबसूरत प्रोविंस है, चाइना के खूबसूरत तरीन प्रोविंस में से एक है, और चाइना के साउथ में है ये प्रोविंस, और बहुत ही बड़ा सिटी है चांगशा जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। ओवरऑल सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल सिटी में ही है। बात करते हैं फर्स्ट ईयर की कॉस्ट की। इस टाइम पे जो फर्स्ट ईयर की टोटल फ़ी है वो आपकी पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग 12 लाख बनेगी। 12 लाख आपकी फर्स्ट ईयर की टोटल फ़ी होगी, जिसमें से आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी हॉस्टल फ़ी, आपके हेल्थ एग्जामिनेशन, आपके वीज़ा चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर होंगे। एडमिशन के चार्जेस भी इसके अंदर होंगे। फ्लाइट और फूड एक्सपेंस इसके अंदर नहीं होगा। आपने ये जो 12 लाख पे करना है इस पे आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन के ईच एंड एवरीथिंग कवर होगा, आपका फ्लाइट और फूड एक्सपेंस इसमें नहीं होगा। सेकेंड चीज़ है, आपकी बात कर लेते हैं कि सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड क्या फ़ी होगी। सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड जो फ़ी होगी वो आपकी 8 लाख पर ईयर होगी, जो आपने इधर आके पे करना है, और टोटल फ़ी जो है वो अपॉन अराइवल है। फर्स्ट ईयर की जो फ़ी है आपने एप्लीकेशन फ़ी और डॉक्यूमेंट्स देने हैं जब आपको एडमिशन नोटिस दूंगा। उसके बाद आपने वीज़ा के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के साथ सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट 2000 RMB, ये 3000 RMB ड्यूरिंग योर कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर जो है आपने सबमिट करना है। बाकी कंप्लीट फ़ी जो है इधर आके अपॉन अराइवल होगी। इधर आप यूनिवर्सिटी आएंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा, फ्लाइट आपकी हो जाएगी, आप सब स्टूडेंट्स के साथ आप इधर आएंगे। जब आप इधर आएंगे इधर आके आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। हॉस्टल की फ़ी भी, ट्यूशन फ़ी, ईच एंड एवरीथिंग आपने इधर आके पे करने होंगे। एडमिशन के चार्जेस भी इधर आके पे करने होंगे। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फीस से माइनस हो जाता है, बाकी फ़ी आपने पे करनी होती है। पहले साल की फ़ी 12 लाख, सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड 8 लाख पर ईयर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे HSK पॉलिसी के हवाले से। हुनान प्रोविंस में, ऑलमोस्ट हुबे प्रोविंस में, हुनान में, चांगशा में, जहाँ पे भी आप आएंगे, हुनान TCM में या हुनान नॉर्मल में, जहाँ पे भी आप आएंगे, HSK लेवल 4 फर्स्ट ईयर में आपने पहले साल में पास करना होगा, कंपलसरी है। और पहले साल में आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपकी मेडिकल की स्टडीज़ मीन्स की मेडिकल की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। और HSK पॉलिसी के हवाले से हो गया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आप डे वन से इधर आते हैं। यूनिवर्सिटी आपको पहले HSK 1 प्रिपेयर कराती है, फिर आपका HSK लेवल 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर इस तरह 4 होता है। तो 4 डायरेक्ट आपने नहीं देना होता है, ईजिली कवर अप हो जाता है अगर आप पढ़ते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हुनान के लिए एक बैच में मीन्स के इस सितंबर इनटेक 2023 में 120 सीट्स हैं, जिसमें से पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं 80-90 स्टूडेंट्स होते हैं, 30 स्टूडेंट्स बाकी कंट्री से आते हैं, लाइक नाइजेरिया, नेपाल से, जम्बिया से, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है, आपकी लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। यहाँ पर मुस्लिम कैंटीन है, ये मेरे पीछे ये IEC, यहाँ पर मैं अभी इस टाइम लॉबी में हूँ, और पीछे जो है मुस्लिम कैंटीन है, कॉफ़ी शॉप, नीचे यहाँ पे मुस्लिम कैंटीन है, ऊपर स्टूडेंट्स के डॉर्मेट्रीज हैं। बाहर यूनिवर्सिटी जो है वो भी मैंने कवर अप किया है, वो भी आप मेरा वीडियो सेशन में देख सकते हैं। हुनान के डॉर्मेट्रीज वाला एरिया, ये डॉर्मेट्रीज हैं। इस साइड पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे ये कॉफ़ी शॉप है, ये कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे आप आके कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, ये सिटिंग एरिया है यहाँ के। और इस साइड पे ये मुस्लिम कैंटीन है, तो जो डॉर्मेट्री है उसके नीचे ही आपको एक एक चीज़ अवेलेबल है, लाइक मुस्लिम कैंटीन, फूड के लिए,
आपके खाने पीने के लिए यहाँ पे मुस्लिम कैंटीन्स हैं, कॉफ़ी शॉप है, ऊपर आपकी डॉर्मेट्री है और साथ ही आपके क्लासरूम्स वगैरह भी इधर ही हैं। ये है हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन की मुस्लिम कैंटीन। यहाँ पे आपको मुस्लिम फूड वगैरह अवेलेबल होता है। वो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि उन्हें कुकिंग वगैरह नहीं करनी पड़े, या कुछ स्टूडेंट्स को कुकिंग नहीं आती है, तो उनके लिए ये मुस्लिम कैंटीन्स होती हैं। ऊपर आप लोगों की डॉर्मेट्रीज हैं और नीचे ये मुस्लिम कैंटीन है। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड होती है। ये कंप्लीट मेन्यू है जिसमें आपके पास राइस है और पोटैटो, ये नीचे आपके पास दाल लाइक लोबिया है और बिरयानी है, फिश है, पोटैटोज, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है खाने के मेन्यू में। और ऑब्वियसली मेन्यू चेंज होते रहते हैं, आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। कॉफ़ी शॉप भी मैंने आपको दिखाई है, साइड पे कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पे ये सारी मुस्लिम कैंटीन है, यहाँ पे आप आएँ, खाना वगैरह खाएँ, और अगर आपने कुकिंग खुद करनी है तो उसका भी एक पर्सपेक्टिव है, वो खुद आप कुकिंग कर सकते हैं। इस सितंबर 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन ऑफिस ने मुझे कल ये बताया कि ये जो टोटल जितनी भी जगह है, मुस्लिम कैंटीन को चाइनीज़ कैंटीन के साथ शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए किचन अरेंज करेंगे। बट ये चीज़ अभी सोच रहे हैं, ये अभी हुई नहीं है। यहाँ पे फिलहाल मुस्लिम कैंटीन डॉर्मेट्री के नीचे ही है, अगर इसको चेंज किया गया तो इसको चाइनीज़ कैंटीन के साथ शिफ्ट कर देंगे। तो फिलहाल ये था यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से गाइड किया। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम।